हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि ठकुरेला और आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे जो बात करूंगा वो होगा आपका नेवी SSR सिलेबस डिटेल्ड एनालिसिस। जी बिल्कुल सही, मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट नेवी SSR का जो सिलेबस है उसकी जो स्ट्रेटजी है, हमें इसको कैसे तरीके से इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है और सिलेक्शन लेना है, उस चीज पर आज मैं आपसे इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप मेरी एक कंप्लीट वीडियो देखिए, आपके अंदर ऑटोमेटिक एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और आप भी मेहनत करने की सोचेंगे कि हाँ यार, मुझे इस बार इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। क्योंकि आप देखिए यूट्यूब पर, आप विश्वास करिए, आप सर्च करिए, पूरे यूट्यूब पर कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस है ही नहीं नेवी SSR के बारे में कि क्या स्ट्रेटजी है, क्या सिलेबस का पैटर्न है। वही जो साइट पर है और जो नेवी की साइट पर दे रखा है उसी को डाउनलोड कर रखा है, कुछ नहीं होने वाला उससे भाई। जब तक हमें उसका मेथड नहीं पता होगा हम नहीं कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और देखो जो सबसे बड़ा मिथ है लोगों का, है ना, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो सबसे पहले बेसिक बात कि सिलेबस में जो नए लोग हैं उनको लिए जानना जरूरी है, और नेवी SSR का जो सिलेबस है उसके अंदर चार सब्जेक्ट कवर होते हैं ना। नेवी के अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं? चार। पहला आता है आपका मैथमेटिक्स, मैथ, और कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन, क्लियर। दूसरा आता है आपका इंग्लिश, इसमें भी कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन। और तीसरा आता है आपका जीएस, जिसे बोलते हैं जर्नल साइंस, जिसमें आपका फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान, और बायोलॉजी जीव विज्ञान, ये तीन चीजें इसमें कवर की जाएंगी। और जिस पर मैं आपसे आज खुल के बात करने वाला हूं, क्योंकि सबको पता है मैथ में क्या पढ़ना है, क्योंकि अभी आपने एयरफोर्स की भी तैयारी की थी, एग्जाम पास कौन हो गया। सबको पता है मैथ में क्या पढ़ना है, सबको पता है इंग्लिश में क्या पढ़ना है। सबसे बड़ी कहानी तो यही है कि पढ़ना क्या है जीएस में। हम लोगों का टारगेट रहता है फिजिक्स, क्योंकि अभी हम एयरफोर्स की तैयारी कर रहे थे और हमारा टारगेट फिजिक्स था। भाई इनको कौन करेगा? अरे हमें एग्जाम में वही तो प्रिपेयर करना है जो कोई नहीं करता। आप उन बच्चों से बात करिए जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, उनकी स्ट्रेटजी कॉमन बच्चे से डिफरेंट होती है। आप बताइए आपके आसपास जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इनको कोई पढ़ रहा है क्या? केमिस्ट्री बायोलॉजी को ध्यान ही नहीं देता, मतलब ही नहीं है उसे। उसका तो फोकस ये रहता है कि जीएस मतलब सर फिजिक्स, बिल्कुल नहीं भाई। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके केमिस्ट्री के हैं और 3 से 4 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के, लगभग 6 से 8 सवाल हो गए टोटल, यानी 6 या 8 नंबर, लगभग 8 नंबर। बताओ क्या करेंगे आप? 8 नंबर छोड़ रहे हैं आप। वही मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्लानिंग बताने वाला हूं कि केमिस्ट्री के सेक्शन में आपको क्या पढ़ना है और बायोलॉजी के सेक्शन में क्या पढ़ना है। कोई यहां फोकस ही नहीं देता, सबको फिजिक्स के पीछे भागे जा रहे हैं, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, वो भी अच्छे से हो नहीं रहा ना। वहां नंबर आते हैं जहां नंबर हमारा गेनिंग प्रोसेस है, हम नंबर आसानी से ला सकते हैं। 10 दिन में आप प्रिपेयर कर सकते हो इस सेक्शन को, केमिस्ट्री बायोलॉजी को। आप, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो आप करिए, आपके नंबर नहीं रुकेंगे एट एनी कॉस्ट, ठीक है। दूसरा पोर्शन आता है यहां जीके का, इसमें सबसे पहले आपका हिस्ट्री, ठीक है, यानी इतिहास आपका, सिविक्स, ठीक है, ये चीजें आपकी, इसी में आपका रीजनिंग, रीजनिंग के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आने ही आने, ये फिक्स है। इसके बारे में मैं आपसे खुल के बात करूंगा कि रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जहां लोग फोकस नहीं देते। ये सिलेक्शन के मेन पॉइंट ऑफ व्यू है नेवी SSR के। रीजनिंग के बाद करंट अफेयर्स पर मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है, करंट अफेयर्स, और इसमें जो जीके का सेक्शन है उस चीज पर मैं आपसे बात करूंगा, यही चीज इंपॉर्टेंट। और एक यहाँ कंप्यूटर साइंस के बारे में थोड़ा सा, यानी कंप्यूटर का एनालिसिस, कंप्यूटर का कम से कम 1 से 2 सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज सिलेबस है आपका, ये आपका, आप नेवी की वेबसाइट पर जाएं। आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया था दोपहर को करीब 3 से 4 बजे के आसपास, आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन भी आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें, आप वहां से नेवी SSR का सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है, या आप खुद जाके नेवी की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ ना वो आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से, भाई अपना जो एक्सपीरियंस है मेरा डिफेंस एग्जाम के अंदर, उसको लेके आज आपसे चर्चा करने वाला हूं उस चीज पर, ठीक है। तो आप सबसे पहले, आप मेरा जो फोकस है
वो है जनरल साइंस पर, जीएस पर, जनरल साइंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पैटर्न है मेरा जीएस पर, मैं आपसे बात करने वाला हूं कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, और पिछले साल यानी इससे पहले जो नेवी का एग्जाम हुआ था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सेक्शन से बने थे। ठीक है, उस चीज पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो देखो सबसे पहले जीएस के अंदर देखो फिजिक्स, फिजिक्स आप सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरी सुबह डेली 9 बजे वीडियो आती है एक, वहां वर्क पावर एनर्जी चल रहा है, आप वीडियो देखिए, बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फिजिक्स की तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सब पढ़ रहे हैं। बात आती है केमिस्ट्री और दूसरी बात आती है बायोलॉजी, ये दो चीज कैसे पढ़ें, पूरे यूट्यूब पे आप जाइए, कोई नहीं पढ़ा रहा, वही रामायण चल रही है, कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात नहीं कर रहा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जो मेन सेक्शन है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं केमिस्ट्री में, देखो क्लास 10th का सिलेबस 9th और 10th, पहली बात तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो क्लास 9th और 10th का। आपको 9th में एक चैप्टर है मैटर, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरा एटम का एक चैप्टर है वो आपको पढ़ना है, तीसरा क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वो आपको पढ़ना है। ठीक है, और फोर्थ आपका चैप्टर है एक मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल ये आपको पढ़ना है। ठीक है, मैटर, एटम, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, दूसरा मेटल और नॉन मेटल ये चैप्टर आपको पढ़ना है। अब इनमें से आप सिलेबस देखिए, यही आपको केमिस्ट्री के लिए पढ़ना है बस, और कुछ नहीं, इसमें से आपके नंबर क्लियर है। ठीक है, ये चार चैप्टर। अब आपको एक बात देखो, पिछली बार सवाल इससे पहले जो एग्जाम था यानी जो पहले हुआ था नेवी डब्ल्यूएसएसआर का, इससे पहले उसमें पहला क्वेश्चन क्या था केमिस्ट्री का, मैं आज आपसे प्रॉपर डिटेल में बात करने वाला हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन लास्ट ईयर बने हैं, इस साल बन सकते हैं या इससे पहले पूछे जा चुके हैं। तो एक सवाल पूछा गया था मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या पूछने के लिए आया था, द्रव्यमान संख्या, तो आप ये द्रव्यमान संख्या जो है वो कार्बन कंपाउंड का क्वेश्चन है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या या एटम, एटम का, एटम में भी ये सवाल होता है, कार्बन कंपाउंड चैप्टर में भी होता है, तो मास नंबर निकालने के लिए आया था, मास नंबर, मास नंबर बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ये होता है आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, आपको दे देंगे कि देखो इसके अंदर प्रोटॉन इतने दे रखे हैं, न्यूट्रॉन इतने दे रखे हैं, तो मास नंबर बताओ, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं मास नंबर। एक सवाल ये पूछा जा चुका है पिछली बार। दूसरा यहां से एक सवाल पूछा गया था, वो आपका कार्बन एंड कंपाउंड का लास्ट ईयर क्वेश्चन, दूसरा अभी सवाल बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी इनमें से कार्बन का अपरूपी रूप नहीं है, अपरूपी रूप नहीं है। ऑप्शन था पहला फ्लोरीन, और दूसरा था फ्लोरेंस, तीसरा था डायमंड और ग्रेफाइट। आपने क्लास 10th में पढ़ा है कार्बन के तीन एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड होता है, ठीक है, ग्रेफाइट होता है, और ब्लैक मस्टर फ्लोरेंस होता है, ये तीन है, ये कार्बन के तीनों क्या है, एलोट्रॉप्स हैं, इनके अलावा जो भी ऑप्शन है वो आपका आंसर नहीं है। तो इसमें फ्लोरिन दे रखा है तो आपका फ्लोरिन क्या है, आंसर नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन कार्बन कंपाउंड का लास्ट ईयर पूछा जा चुका है नेवी के पेपर में। इसके बाद देखो अगला सवाल आया है आपका मेटल एंड नॉन मेटल में से है, पिछली साल का ही पे क्वेश्चन है ये भी, सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ, यानी सोल्डर किस मिश्र धातु का है, सोल्डर, ठीक है, ऑप्शन दे रखा है उसने टिन एंड कॉपर यानी टिन और तांबा, दूसरा ऑप्शन है टिन यानी टिन, और दूसरा है आपका लेड, सीसा एंड कॉपर तांबा, और तीसरा ऑप्शन है टिन एंड लेड यानी सीसा और टिन, और चौथा ऑप्शन है टिन एंड आयरन, ये आपका आंसर है टिन और लेड, सीसा और टिन। ठीक है, ये सोल्डर जो है इसकी मिश्र धातु है यानी टिन और लेड से मिलके बनी हुई होती है, तो ये भी आपका किसका है, मेटल एंड नॉन मेटल का क्वेश्चन है, क्लास 10th का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो आगे एक सवाल इसमें पूछा गया था एसिड बेस एंड सॉल्ट से, हाँ एक चैप्टर आप देखो इसमें एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये चैप्टर भी आपको करना है।
एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें लास्ट ईयर ही क्वेश्चन क्या था एसिड बेस एंड सॉल्ट का, कि द सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से नीला लिटमस पेपर रंग में बदलता है। तुम्हें पता है कि कोई अगर एसिड से बेस में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, ब्लू लिटमस से, ब्लू लिटमस पेपर से किसमें होता है, वो रेड में। अगर बेस से एसिड में हो तो वो किससे होता है, रेड से ब्लू में। तो इसका आंसर क्या था, एसिड से बेस में पूछ रहा था तो ब्लू लिटमस से किसमें कन्वर्ट होगा, रेड में। इसका आंसर क्या था, रेड। ये भी लास्ट ईयर यानी नेवी के एग्जाम का क्वेश्चन है, SSR का। आप खुद सोचो, आप जो चीज पढ़ के आए हो 9th-10th में, जो भूल चुके हो, वही चीज आपको रिवाइज करनी है। मैं आपके लिए बुक भी बताने वाला हूं कि किस बुक से आप इस चीज को फॉलो करें। आप अरिहंत की एक बुक आती है, अरिहंत के नाम से, वो आती है नेवी SSR के पैटर्न पर, डिक्टो। आप वो लीजिए और उसमें से साइंस का पोर्शन कर लो, और उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी दे रखे हैं, ठीक है। वहां से आप प्रैक्टिस करें, आपका यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो आसानी से हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप देखो, इसमें एक सवाल और पूछा था पिछली बार केमिस्ट्री का, प्रिंसिपल ऑफ क्लींजिंग सोप, ठीक है। तो प्रिंसिपल सोप का वो था इसका आंसर सरफेस टेंशन, उसमें ऑप्शन दे रखा था विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इस तरीके के आंसर दे रखे थे। तो जो सोप का जो क्लींजिंग एक्शन प्रिंसिपल है वो क्या होता है, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। ये भी आपका कार्बन इन इट्स कंपाउंड का क्वेश्चन है, ठीक है। डिटर्जेंट प्रॉपर्टी इसी के अंदर आती है, वो आपको पढ़नी है। अब आप देख लो, आपके सामने ये है क्लास 10th का एक भी, 9th और 10th के क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन आप देखो जो जनरली इससे पहले वाले एग्जाम में जाए, इससे पहले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान, ठीक है, सॉरी कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे आपको स्ट्रक्चर दे दिया, ये स्ट्रक्चर बताओ किसका है, बोल देगा आपसे, ऑप्शन दे दिया, बताओ, तो ये किसका है, फिनॉल का। इस तरीके से कुछ भी आपको एक, कम से कम एक या दो लास्ट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर भी सवाल कई बार पूछे हैं। लास्ट ईयर कोई भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर नहीं था नेवी डबल ए के पेपर में, लेकिन उससे प्रीवियस में अगर आप जाए तो नेवी डबल ए ने एक या दो क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डाला था, नेमिंग पूछी थी, बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या है। तो आपके लिए कंप्लीट केमिस्ट्री का ये सेक्शन है, आप मेरी बात ध्यान से सुने। जब आप एग्जाम दे के आ रहे होंगे और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप खुद कहेंगे कि वाकई में अगर मैं ये वीडियो नहीं देख पाता तो आज मैं उतना बेहतर नहीं करता। इसलिए आप समझिए, मैटर करिए, एटम करिए, कार्बोनेट्स कंपाउंड करिए, मेटल एंड नॉन मेटल करिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट करिए। और अभी आपके पास टाइम भी है, आप क्लास 10th की एशन नाम की एक बुक आती है उसको आप उठा लो और उसके MCQ लगा लो आप, और उसमें से बेसिक बेसिक पढ़ लो ये सारा, तो भी आप बेहतर कर जाएंगे। अगर आप अरिहंत ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं क्लास 10th का आप एशन की बुक उठाए तो भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो बायो का सेक्शन, ठीक है, बायो का सेक्शन आपके लिए जानना जरूरी है, और मैं आपसे जो बोलूं वही आपको पढ़ना है केमिस्ट्री और बायो में, ठीक है, और आगे आपकी मर्जी है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये चीजें बता रहा हूं, यहां कोई इस चीज पर चर्चा नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो बायो का सेक्शन, ठीक है, बायो में आपको क्या पढ़ना है, बायोलॉजी। इसमें आपको सबसे पहले ह्यूमन बॉडी सिस्टम, बस एक ही चीज पढ़नी है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, और इसके अंदर जो जो पार्ट आपको पढ़ना है ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर वो देख लो आप। पहला है ह्यूमन हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट, हार्ट का साइज क्या होता है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। दूसरा यहां से है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ये आपको आना चाहिए। तीसरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है।
चौथा आपको ब्लड के बारे में, और ब्लड में तीन चीज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड ग्रुप, ये आपको आना चाहिए। और एक चैप्टर अब है यहां पे फूड एंड न्यूट्रिशन। पिछली बार यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है फूड एंड न्यूट्रिशन का। मैं पिछले 3 साल से एक बात देख रहा हूं, नेवी डबल SSR फूड और न्यूट्रिशन में से एक सवाल जरूर पूछ रहा है। तो फूड और न्यूट्रिशन में से जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बन चुका है एक बार। दूसरा प्रोटीन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तीसरा विटामिंस, ये भी आपको पढ़ना है। और विटामिन दो तरीके की होती है, एक तो होती है फैट सॉल्युबल, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताओ इनमें से कौन सी फैट सॉल्युबल विटामिन है, और दूसरा है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल तो मैं आपको यहां बता दूं, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है वो होती है ए, डी और आपका विटामिन ई और विटामिन के, ये वाटर सॉल्युबल होती है। और जो फैट सॉल्युबल होती है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद आपको पहला सेक्शन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा आपको इसमें पढ़ना है डिसीज के बारे में। पिछली बार सवाल पूछा जा चुका है कि जॉन्डिस किस बीमारी से संबंधित है, यानी जो जॉन्डिस है वो किससे संबंधित है, ठीक है, लीवर से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपका, आपको सारी डिसीज आनी चाहिए। और इसके बाद इसमें एक सवाल और बताऊं, क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ दीज इज नॉट कंसिडर एज अ न्यूट्रिएंट्स, यानी इनमें से किसे पोषक नहीं माना जाता। लास्ट ईयर का क्वेश्चन क्वेश्चन है, और ऑप्शन दे रखा है फैट यानी वसा, मिनरल्स यानी खनिज, फाइबर यानी रेसा, विटामिन मतलब विटामिन। तो इसका आंसर है फैट। फैट को इनमें से न्यूट्रिएंट नहीं माना जाता, नहीं कंसिडर किया जाता, ठीक है। तो ये आपका फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन हो गया। ये आप बहुत अच्छे से पढ़िए। आप या तो 9th और 10th की बुक उठा लो आप, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लो तो बस माशाल्लाह आपका काम हो गया। इससे ज्यादा मतलब ही नहीं है, 9th 10th की आप एनसीईआरटी लगा लो, जो ये जो चैप्टर मैंने बताया बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर बेस्ट है, इसके अलावा कोई नीड नहीं है। और अच्छे से प्रिपरेशन करो, कोई भी बंदा कोई भी फोकस नहीं करता बायोलॉजी केमिस्ट्री के सेक्शन पर, फिजिक्स पढ़ रहे हैं बस, इसलिए हमारा स्कोर नहीं कर पाते हम अच्छा, ठीक है। ये चीज आप बहुत अच्छे से समझो। और इसके बाद अभी जो मैं बताने वाला हूं आपको सेकंड पेपर के अंदर जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, वो देखो आप पहले। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल, जहां हम टेक्निकल की प्रिपरेशन करते हैं और हम इस सेक्शन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जीके रीजनिंग का हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपना तो ये रहते हैं ना, हमने मैथ पढ़ लिया है, फिजिक्स पढ़ लिया और इंग्लिश पढ़ लिया, हम पेपर फाड़ देंगे, कभी नहीं फूटेगा पेपर। पेपर के हर सेक्शन को करना जरूरी है। जहां कोई तैयारी नहीं कर रहा है, मैं बार बार स्टार्टिंग से वीडियो से बोल रहा हूं, जहां कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहा उस सेक्शन की, आप करिए, आपका सिलेक्शन होगा। वैसे 200 वैकेंसी इस बार SSR में कम कर दी है, हर बार 2200 आती थी, इस बार 2000, ठीक है। तो देखो, पहले आप रीजन का सेक्शन देखो, और मैं आपसे जो बात कह रहा हूं उस पर भरोसा करना, अदरवाइज पछताओगे आप। रीजनिंग के अंदर सबसे पहला सेक्शन आता है कोडिंग और डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग का, आप रीजनिंग का सबसे पहला सेक्शन खुलेगा तो कोडिंग डिकोडिंग का सबसे पहला सवाल मिलेगा आपको। कम से कम मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूं, कम से कम 2 क्वेश्चन आने ही आने कोडिंग डिकोडिंग के पक्का है, आने ही आने। जैसे सवाल कोडिंग डिकोडिंग का मैं बता देता हूं एक नॉर्मली, जैसे मान के चलो क्लर्क, क्लर्क का मतलब लिख दिया उसने यहाँ ऐसे करके EQIUB ऐसे करके कुछ लिख दिया, और बोल रहा है टीचर का क्या होगा इस तरीके से, ये क्या मतलब होगा। ये जो सवाल है वो बिलोंग करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग से, इस टाइप का सवाल आपसे पूछ लेगा, ठीक है। दूसरा नंबर सीरीज का सवाल, एक क्वेश्चन फिक्स है, कई बार 2 भी पूछ लिए नंबर सीरीज के, जैसे 1 3 5 7 अगला नंबर क्या होगा, इस टाइप का जो सवाल है वो नंबर सीरीज से बिलोंग करता है, आपको ये क्वेश्चन जरूर करके जाने। ब्लड रिलेशन, ऐसा कोई साल नहीं गया कि ब्लड रिलेशन का सवाल ना है नेवी डबल SSR में, ठीक है। तो ये आपको एक ब्लड रिलेशन का सवाल एक पक्का है, कम से कम एक सवाल, 2 सवाल इसके और कम से कम एक सवाल इसका नंबर सीरीज का। वेन डायग्राम का सवाल एक पक्का है, आना ही आना है। वाटर इमेज और मिरर इमेज,
इसके कुल मिला के 3 सवाल, या इसके 2 दे दे, या इसके 2 दे दे, या इसका 1 दे दे, इस तरीके से कम 3 सवाल मैं पिछले 4 साल 3 साल से देख रहा हूं, ठीक है। इसके बाद एक इनकम्प्लीट फिगर का एक सवाल दे देगा, कैलेंडर का किसी किसी सेक्शन में दे देता है, किसी किसी मीटिंग में, अदरवाइज कैलेंडर का सवाल बहुत रेयर केस में आता है, लेकिन फिर भी इसको करके जाना है आपको। डायरेक्शन का सवाल एक क्वेश्चन पक्का है, सॉलिड है, आना ही आना है। अब तुम सोचो 2, 3, 4, 5, 8, 9 और 10, ये 8 से 10 सवाल रीजनिंग के हैं और यही आएंगे। आप प्रिपरेशन करके तो देखिए, सिलेक्शन कौन रोकता है आपका, लेकिन प्रिपरेशन तो करो। यही चीज आपको करनी होगी, तभी आपका नेवी डबल एसएसआर में सिलेक्शन होगा। अरे बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद आओ जीके के सेक्शन के अंदर। देखो यहां कहना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन बीइंग माय एक्सपीरियंस, डिफेंस का इतने साल से मुझे अनुभव है और इस एग्जाम को मैं दे रहा हूं, तो उसके बाद मैं आपको यहां बता रहा हूं, ठीक है। फोक डांस, पिछले 3-4 साल में फोक डांस एक सवाल हर साल आ रहा है, लोक नृत्य, कि उड़ीसा का लोक नृत्य क्या है, वहां का क्या है, उस देश का क्या है, उस राज्य का क्या है, लोक नृत्य आपको आना चाहिए। ये आप बिल्कुल अरहंत की किताब में दे रखे हैं साफ साफ, या किसी नेट से पढ़े, कहीं से पढ़े, आपको फोक डांस ये आपको आना चाहिए। दूसरा फेस्टिवल, पिछली बार सवाल पूछा था फेस्टिवल का, कि रामलीला किस राज्य से संबंधित है, यूपी, उड़ी, इस तरीके से वहां ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है। तो फेस्टिवल आपको आनी चाहिए, कि कौन सा फेस्टिवल किस राज्य से बिलोंग करता है। कप एंड ट्रॉफी का एक सवाल पूछ लेता है, कप ये कौन सा कप है, जैसे अजमल शाह कप किस खेल से संबंधित है, या ट्रॉफी, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। कैपिटल और करेंसी, कम से कम 1-2 सवाल तो पक्का है, सॉलिड है। अब कैपिटल तो यहां ऐसे ही पूछता है, आप कितनी भी प्रिपरेशन करके चले जाना, ऐसे लगता है पहली बार देख रहे हैं, देशों का पूछता है, कंट्री के बारे में पूछता है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो कैपिटल करेंसी की। एक कैपिटल, एक करेंसी, और किसी किसी इस साल से, यानी जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था इससे पहले, तो हर पेपर के अंदर हद कर दी 3-3, 4-4 सवाल कैपिटल और करेंसी के हर मीटिंग में, तो आपका कैपिटल करेंसी इंपोर्टेंट है। कम से कम 1 या 2 फुल फॉर्म आपकी आनी आनी है, फुल फॉर्म कम से कम आपको आना ही आना है, चीज ठीक है। इंपोर्टेंट डेज एंड डेट आपका आना ही आना, जैसे मार्टर डे कौन सा होता है, शहीद दिवस, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पक्का है इसका। दूसरा निक नेम ऑफ प्लेयर, किसी खिलाड़ी का निक नेम, ठीक है, शोएब अख्तर का क्या है, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप जाएं ये आप पढ़ें। अवार्ड्स, किस साल में कौन सा अवार्ड मिला और किस फील्ड में, यानी किस क्षेत्र में मिला, ये भी आपको आना चाहिए। एक सवाल प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, बुक और ऑथर, यानी कौन सी बुक किस ऑथर ने लिखी है, महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, कौन सी किताबें लिखी, इस टाइप का एक सवाल पूछा जा चुका है, तो आपका एक क्वेश्चन यहां से। ये क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं है, ये पक्का है, सॉलिड है। कौन किसको शपथ दिलाता है, कौन किसको शपथ दिलाता है, जैसे एक सवाल पूछा गया था पिछली बार एक सेट के अंदर, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, ऑप्शन उसमें राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो इसका आंसर होता है उपराज्यपाल। तो आप बिल्कुल ये करके जाना कि कौन किसको शपथ दिलाता है। और पिछली बार तो एक क्वेश्चन ये भी था कि यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, बहुत आसान सा सवाल, ठीक है, और प्रीवियस बी ईयर भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप का आपको आना चाहिए। कौन सा प्लेयर किस खेल से संबंधित है, बिल्कुल कौन सा प्लेयर किस खेल से रिलेटेड है, ये चीज भी आपको आनी चाहिए। तो ये आपको सेक्शन अगर आ रहा है, अब देखो कम से कम 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल 4 कम से कम 6 7 8 9 10 11 12 12 सवाल, या 8 से 10 सवाल, वो मान लो 8 से 10 सवाल, वो 20 बचे 5 सवाल। और 5 सवाल में आपका क्या आएगा, हिस्ट्री का सवाल, ज्योग्राफी का सवाल दे देगा, एक दो, और 2 से 3 सवाल आपके करंट अफेयर के दे देगा, प्रेजेंट में, जैसे कोरोना में पर एक का सवाल बन सकता है इस बार, कि वैक्सीन सबसे पहले कहां, किस देश ने लॉन्च की, उसका नाम क्या था, तो ये सवाल भी आप पढ़ के जाना है ना, मे बी की आ जाए, और प्रोबेबिलिटी भी है इस बात की। तो आपको हिस्ट्री पर कोई फोकस नहीं, कोई मतलब नहीं है ना ज्योग्राफी, आपका ये सेक्शन आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा, ये सेक्शन आपको 18 से 20 नंबर आपको गेन करवा देगा आराम से। अब आप सोचिए
साइंस के सेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सेक्शन, यानी कितने नंबर हो गए वो आपके 8, और इसमें 18 नंबर, ये कोई मतलब ही नहीं रखता, खत्म, कोई छोड़ देते, 18 8 26 नंबर हो गए, बताओ 26 नंबर कोई नहीं पढ़ता, रेयर केस में पढ़ के जाते हैं बच्चे। तो आप, ये इंपॉर्टेंट सिलेबस है, बींग माई एक्सपीरियंस, इतने अनुभव के बाद मैं आपको ये चीजें शेयर कर रहा हूँ और आपको वाकई में बेनिफिट होगा, और कंप्लीटली इनको अच्छे से पढ़े। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको खुद रीजनिंग का ये सेक्शन पूरा करा के दूंगा और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये चीजों की आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप चाहेंगे तो, और ये चीजें मैं एक बार में आके कंप्लीट आपकी एक घंटे की वीडियो के अंदर ये सारा मैं कवर कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करें, अगर आपको इस टाइप का कंटेंट चाहिए तो, ठीक है। तो ये चीजें पढ़ें तभी आपका सिलेक्शन होगा। हमको सबसे अलग पढ़ना है, पढ़ तो सब रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश, सबका फोकस उधर ही है, जो सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमें सिलेक्टिव पॉइंट पढ़ना है, सबसे डिफरेंट पढ़ना है, जो एग्जाम में हमें सिलेक्शन दिखा सकता है, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादातर शेयर करें ताकि और लोग भी इस चीज का बेनिफिट उठा सके। और मेरी मॉर्निंग की क्लास आती है सुबह 9 बजे फिजिक्स की, आप उसे देखना ना भूलें, उसको रेगुलर देखें, बहुत मेहनत से कंटेंट बन रहा है उसमें, और आई होप आपके नेवी डबल एस एस एग्जाम को वो बिल्कुल फिजिक्स इस तरीके मैंने कराई, आप एग्जाम फाड़ दोगे 100%, आई एम श्योर। आप करके तो देखिए, एक बार साथ चल के तो देखिए, चल नहीं रहे तो रैंक के तो देखो, 100% आपका सिलेक्शन होगा। और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं है, मेहनत तो करनी होगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।